नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम में। आज तो सोच रही थी स्टोरी टाइम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मंडे से बहुत ज़्यादा तेज़ वायरल फीवर हुआ था। फीवर तो खैर गया, लेकिन एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ और फीवर आपकी जान भी थोड़ी निचोड़ देता है, तो वही रिकवरी वाला फेज चल रहा है। मगर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैंने अपनी हिंदी फिल्म जब डायरेक्ट की थी शेड्यूल लग चुका था, डेट्स बहुत टाइट थी, और उसी दिन सुबह मुझे 104 फीवर हुआ था और मैंने दवाइयाँ खाकर स्टीम ले लेके इतनी स्नीजिंग हो रही थी, लेकिन मैंने वो 10 दिन का शेड्यूल पूरा किया था। तो मुझे वो याद आया तो मैंने कहा यार मैं घर पे बैठ के स्टोरी टाइम नहीं कर सकती, इसलिए फिर मैंने दिन भर अपने सेल्फ केयर ये किया, ब्लॉग भी शूट किया और यहाँ आ गई आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे 80s की ट्रेजेडी क्वीन पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। तो जब मैं छोटी थी तब से मैं भी देखती थी, वो भी 7 साल की थी तब से काम कर रही है, तो शायद 2-3 साल का ही हमारा फ़र्क होगा। तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन थी जैसे सब लोग थे, मतलब इंसाफ का तराजू के टाइम तो ऐसा था कि मैं 12th की क्लासेस करने के लिए 11th की छुट्टी में पुणे गई हुई थी और झूठ वूठ बोल के और कुछ जुगाड़ लगा के हम लोग फिल्म देखने गए थे, क्योंकि वो फिल्म एडल्ट थी। उसके बाद कट्टू मुंबई, कट्टू मेरी पहली फिल्म मैंने बनाई, फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई, तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट क्या। तो फिल्म के एंड में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम डायरेक्टर कुछ अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे थे, तो मैंने तुनके में आके बोला अगली फिल्म मैं ही डायरेक्ट करूँगी, क्योंकि उस फिल्म में कगार में मैंने बहुत सारा काम मैंने ही किया है उस फिल्म का। तो सब हंसने लगे तो होने लगे, लेकिन मैं ज़िद्दी बहुत हूँ, तो मैंने कहा चलो स्क्रिप्ट लिखते। तो सुजीत दा के साथ ही स्क्रिप्ट लिखी, एक्चुअली मैंने धुआं की। फिर कास्टिंग की शुरुआत हुई तो कोई पसंद ही नहीं आया। माधुरी दीक्षित आई थी उन दिनों, उनको स्टोरी बहुत पसंद आई थी, उन्होंने कहा मैं करूँगी, उन्होंने शॉर्टलिस्ट की, मगर वो अगेन शी कंसीव, तो ऑब्वियसली उनका प्लान लंबा हो गया, तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं यार अब तो नहीं करनी है फिल्म डायरेक्ट। तो बैठे रहे 31 दिसंबर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो मैं जनरली रात के 12 बजे पहले वो करती थी अपना क्रिया ध्यान, कि ट्रांजिशन में जो है आपको बिल्कुल सही स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, फिर न्यू ईयर अपना जो पार्टी करना है करूँ। तो मैंने वो करके, तो मेरे हस्बैंड से ऐसा कैसे होगा यार, वो उन दिनों कोई और फिल्म कर रहे थे और उसके कैमरा मैन काफ़ी लोग आए हुए थे, घर पे गेट टुगेदर जैसा हो रहा था, कि नहीं कोई फिल्म तो करनी ही चाहिए मृणाल, तुम्हें शुरू कुछ सोचो यार, तुम बताओ, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। तो मेरे दिल में ये आइडिया घूम रहा था, वो मेरी मराठी की पहली फिल्म बनी मंथन एक अमृत प्याला, तो मैंने बोला ये कैसा लगा, और बोलो यार कमाल है, चलो लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, फिर हमने एक मराठी राइटर को बुलाया, तो मतलब वो कहानी लंबी है स्क्रिप्ट की, खैर तो मुझे कोई नहीं पसंद आया, तो संजय चौहान जो कि धुआं के डायलॉग्स जिन्होंने लिखे थे, जो बहुत ही विख्यात लेखक थे, कहना मुश्किल होता है, मेरे दोस्त हैं, तो वो अमिताभ के साथ हेवन में मस्ती कर रहे होंगे वो लोग सब। तो संजय से मैंने कहा कि आप मुझे जो है स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, क्योंकि वो मुझे समझते थे एज अ डायरेक्टर लाइक दैट, एक अंडरस्टैंडिंग, और डायलॉग्स हम देख लेंगे। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा अब कैसे करें, मतलब ये 31 दिसंबर की बात है। मैंने कहा एक काम करना, कल सुबह से ना रोज़ 10 पन्ने छोड़ जाना मुझे। मैंने उनको रात में सुनाया सारा आइडिया फिल्म का, एंड एवरी डे ही वुड रियली सिंसियरली ड्रॉप दोज 10 पेजेस टू मी, ऐसे 100 पेजेस हो गए, तो मतलब एक डेढ़ फिल्म हो जाती है। राइटर को इतना लिखना ही पड़ता है, क्योंकि वो उस फ्लो में होता है, डायरेक्टर का काम होता है उसको एडिट करना, उसको कैसे करना है क्या करना। खैर फिर स्क्रिप्ट हमारी जो है 31 जैन को आ गई। मैंने कहा आई एम रेडी टू सुनाओ फाइल, और उसी बीच मैंने क्या किया था, सिचुएशंस मुझे पता थी, तो गाने हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए थे, अनुराधा जी ने गाए हैं, उदित नारायण जी से मैंने पहली बार मराठी गाना गवाया उसमें, और म्यूज़िक बहुत कमाल बना है मतलब उस फिल्म का। तो आप कहे किसको ले किसको, मैंने कहा पद्मिनी जी, उनकी चिमनी पाखरे बहुत हिट हुई थी, तो मैंने कहा ये पद्मिनी कोल्हापुरे इज फिट फॉर दिस रोल। तो अमिताभ ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, क्योंकि कगार का बहुत चर्चा था, वाकई में चर्चा था, कगार आज भी चर्चित फिल्मों में से ही है जो मेरी पहली फिल्म थी, तो उन्होंने कहा अमिताभ जी मुझे मराठी फिल्म बिल्कुल नहीं करना, मेरा जो पिछला प्रोड्यूसर है वो लास्ट वाली किस्त लेके अब तक पहुँच ही रहा है मेरे घर। अमिताभ बिंग अमिताभ ही से रह रही, यार मैम एक कप चाय तो पिला दीजिए आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, हम आप कितने इतने फ़ैन हैं आपके काम के। तो उन्होंने मना ही लिया, तो हम पहुँच गए, तो उनका वो गाना वाना सब ले लेना फिर, और गए पद्मिनी जी कुछ गार्डन वार्डन में काम करे थे, ऐसे टेप लगा के आए,
वेरी स्टर्न फेस एंड ऑल से बैठी, हाँ बोला मगर तो बोलते तो मैं और ज़्यादातर हिंदी में ही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कहानी तो मैं सुना दूँगी आपको, क्या आप गाना सुनना चाहेंगे? बोले हाँ हाँ श्योर वाई नॉट। तो वो हम अपने बेडरूम में ले गई हमें, तो फिर वहाँ लगाया। जब गाना एक ऐसा हुआ फिर मैंने कहा सेकेंड वाला जैसे सुना तो वो टर्न हुई और उन्होंने बोला अमिताभ जी अग्रीमेंट बनाइए मैं फिल्म कर रही हूँ। ओ माय गॉड रोंगटे खड़े हो रहे आज भी, 2004 की बात है ये, तो हमारा लगभग शायद 20 पता नहीं कितने साल हो जाएंगे 2024 में। फिर मैंने उन्हें सेंट्रल आइडिया दिया, ऑब्वियसली बातें हो गई, प्रोड्यूसर अमिताभ थे तो हमारा ऐसे ही होता था, रोल चेंज करते थे, अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो वो देखेंगे, वो कर रहे हैं तो मैं देखूँगी, इस तरह से। और इस तरह से आई पद्मिनी जी कोल्हापुरे मेरी लाइफ में वो गुड लक चार्म बन के कि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही थी फिल्म, फीचर फिल्म, और उसकी हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरे, और क्या चाहिए इंसान को। खैर सिलसिला शुरू हुआ, सारी चीज़ें ड्रेसिंग ये वो, इतनी नॉन फंसी है वो, मैंने इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी नॉन फंसी, इतनी एट ईज, इतनी आराम से, इतनी डिवोटेड, पर इतना स्वीट चेहरा, मैंने ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता ऐसी एक्ट्रेस मुझे दोबारा मिलेगी कहीं। मतलब किस कैंप से आर के कैंप की तराशी हुई हीरोइन सोचिए आप, मेरा तो मतलब ड्रीम कम ट्रू, हर एवरी डे वॉज एन एक्साइटमेंट यू नो। तो कुछ हमने फुटेज शूट की तो क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, तो इवन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी क्या शूट कर रही, तो इतना हो गया इतना हो गया। वो फिल्म अपनी पहली फिल्म मैंने 18 डेज में कंप्लीट की है, जिसमें 4 या 6 गाने हैं और एक पूरा पार्टी सॉन्ग है, और पहली बार हमने फुटेज भेजी, मैंने कहा ठीक ठाक तो कर रही हूँ देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे आता ही नहीं हो डायरेक्शन। तो राजकुमार संतोषी जी के एडिटर थे, उनकी 200 फिल्म एडिट कर चुके थे, तो उनके पास हमने भेजा, वो हमारे एडिटर थे, मेरे यूनिट में हर कोई सीनियर था सिवाय मेरे। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैडम ने, असिस्टेंट से पूछा आपकी मैडम ने कितनी पिक्चर असिस्ट की है, नहीं उन्होंने कोई असिस्ट नहीं की, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली। तो बोले उनको बुलाओ, मैं गई तो उन्होंने कहा और गाने सुनाइए, तो मैं तो उन्होंने कहा कोई कोरियोग्राफ नहीं करेगा, गाना तुम ही शूट करोगी, मैं एडिट करूँगा, चिल। मुझे ना 8/16/4 बीट भी नहीं पता है गाने का, जैसे गाना शूट होता है स्कूल पे, गाना ऐसे नहीं होता जैसे रील बनाते हैं। कहा ठीक है। तो एक दिन हमारा लोकेशन वाइज होता था, मैं बहुत ही मेथोडिकल काम करती हूँ बींग अ साइंस ग्रेजुएट, तो लोकेशन के हिसाब से, और मुझे हर चीज़ याद, मैं एक सेकंड भी कैमरामैन को बैठने नहीं देती थी कि ट्रांजिशन लेना है एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी इतने चेंज कराने पड़ते थे कि मुझे भी शर्म आ जाती थी, कि मैं बोलती थी पद्मिनी जी बोलती थी हाँ बोलना, तो मैं बोलती थी एक और चेंज है, मतलब मुझे गिल्टी फील होता था, अरे ये 2 मिनट में, वो 2 मिनट में सारी क्या सारी हेयर सब कुछ चेंज करके आ जाती है सेट पे, भाई सीखो बाकी लोग जो करते हैं। तो इग्नोर द वॉइस, क्योंकि वो हमारी कैट है जो वैम वैम कर रही है पीछे से, लूना जी। तो उनके साथ काम करने का सिलसिला इतना खूबसूरत रहा। तो एक दिन मॉर्निंग में गाने का ही शॉट लेना था मुझे कोई, तो मैं सीन समझा देती थी, देर वॉज नो सॉन्ग प्लेड, तो मैंने उन्हें समझाया और वो जिस तरह से आई। अंजलि, हाउ डेयर यू, माझे सगळे प्रश्नांचं मूळ एकच आहे, तुमची ही दारू, हाच या दारूने माझ्या आमचा जीव घेतला असता। रघु रघु खबरदार पुन्हा या घरात पाव टाकलं असत, तुला किती वेळा सांगितलं हे घर माझं आहे आणि फोडून टाकायला काही बाकी फुकट मिळत नाही। नहीं रानी,
दुसरी बाटली घेऊन या. अरे भगत काय राहिला जाना सुमन, हे सगळं साफ कर लवकर आणि खायला दे काही, भूक लागली मला. शूटिंग हुई थी उन्होंने कभी नहीं कहा था, क्योंकि वो उन दिनों की एक्ट्रेस है जो आंख से समझ जाते हैं, उन दिनों मॉनिटर्स नहीं होते थे. तो मैं बोला क्या हुआ मैम, मैंने कुछ गलत किया क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज तुमने ना मुझे राज अंकल की याद दिला दी. ओ माय गॉड, गूज बम्स अगेन. मुझे लगा मुझे दुनिया के ना सारे अवार्ड मिल गए. छोटी भी थी खैर, पर मैं ऐसी ही हूँ. मतलब उन्होंने जेन्युइनली कहा था और मुझे जेन्युइनली यकीन हुआ था. तो फिल्म बनती गई जैसे जैसे. उन्हें सारी भी बहुत पसंद आए. उन्होंने एक ले जाते हैं हमेशा एक्ट्रेस, जैसे नंदिता दास भी थी हमारे साथ, बाद में लक्ष्मी भी आई. तो एक मेमोरियल बोल के फिल्म की, जो फिल्म उन्हें पसंद आती है वही. तो इस तरह से हंसते खिलते फिल्म ख़त्म हुई. एक दिन हमको जाना था आईसील स्टूडियो, बहुत दूर था. तो सुबह 8 बजे ही मेकअप मैन, क्योंकि वो जुहू में रहती तो मेकअप मैन वहाँ पहुँच जाते थे और वो बोलती थी मेकअप करके मैं आ जाती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोकेशन भी हमारी वहीं आसपास थी. अब ये लोकेशन आईसील स्टूडियोज़ थी, आउटडोर इंडोर सब कुछ एक ही दिन में करना था मराठी फिल्म में यार. और इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी कि 10 मीटर में भी नहीं दिख रहा था, ग्लास में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था. और डायरेक्शन प्रोडक्शन यूनिट को सुबह ही निकल जाना पड़ता है. तो मैं 7 बजे ही निकल चुकी थी. एटॉमिक भाभा सेंटर जो है वहाँ पे है वो चेंबूर के आगे. तो पद्मिनी जी का मेकअप मैन जैसे आया, उन्होंने कहा देखो मैं तैयार तो हो रही हूँ, मृणालिनी जी क्या करना है आज? तो मैंने कहा मैम मैं तो रास्ते पे हूँ, शूटिंग तो होगी. तो उन्होंने कहा बस ठीक है, तुमने बोल दिया मैं भी आ रही हूँ. दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस, यू नो, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस फॉर अ न्यू कमर डायरेक्टर जो इतना सीजनड एक्टर का इतनी बड़ी स्टार आपको दे सकती है. एंड शी सो इनोसेंट एंड सो सिंपल. कभी कभी उन्हें लो बीपी होता था ये चक्कर, क्योंकि डेढ़ शिफ्ट उन लोगों ने कभी डेढ़ शिफ्टों में काम नहीं किया लाइफ में. लेकिन हमारी तो यहाँ लगी पड़ी है ना फिनेंस के चक्कर में और बजट के चक्कर में. लेकिन वो कभी नहीं बोलती थी, मैं बीच में गैप नहीं देती थी, लेकिन कभी नहीं. एक दिन मैं गई, मैं बोले ऐसे क्यों लेटी आप, ये तो नहीं. मैंने कहा तुरंत, फिर मैंने दिन भर ड्यूटी लगा दी कि नारियल पानी ये वो सब भी ना बोले. वो मांगती भी नहीं थी कुछ. This is the humility. That is why they are big stars. उस जमाने से, उससे पहले के ज़माने के हर स्टार को देखिए, humility is their first sign. आजकल तो बिग बॉस से आ जाए, देखें फिर स्टाइल इनकी.
तो अच्छा है भाई, इस ज़माने में मैं ज़्यादा एग्जिस्टिंग नहीं हूँ एज अ डायरेक्टर, क्योंकि पद्मिनी जी ने मेरी आदत ही बिगाड़ दी थी। मैंने कहा यार मैं किसी और एक्ट्रेस के साथ कैसे काम करूँगी, शी वॉज सो ईजी, एंड एज एन एक्टर तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्टर थे हमारे मिलिंद गुना जी, जो कंपैटिबिलिटी और जो चीज़ें थी कि एक से दूसरा टेक मुश्किल से हुआ है सिनेमा में। फिर जब मैंने प्रोडक्शन वालों से बोला कि पैचवर्क नहीं होगा, फिल्म इज़ कंप्लीट, क्योंकि जब कंप्लीट बोलता है डायरेक्टर तो पार्टी होती है, तो मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर बहुत ज़्यादा, उन्होंने नूतन के ज़माने से काम किया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, एक दो दिन का तो पैचवर्क निकलेगा। मैंने कहा कोई पैचवर्क नहीं निकलेगा मेरी फिल्म में। फिर जब लास्ट हमने गाना शुरू किया, शूट किया, वो बर्थडे सॉन्ग था, तो मैं कास्ट मौजूद थी, तो मैंने शुरू कहीं से थोड़े थोड़े एक्टर से करके एंड में, तो मैं आई वांटेड कि वो लास्ट डे हो शूटिंग का और सारे लोग मिले और हंस खेल के, क्योंकि मूवी बहुत रोने धोने वाली है जाए, तो मैंने किसी को बताया नहीं था ऑफ कोर्स। तो गाना हुआ, गाना देखिए पहले कैसा लगा गाना, तो ये उदित नारायण जी ने गाया है। तो गाना हुआ और फिर मैंने कहा कि जो भी छोटा मोटा था उसी के साथ साथ हमने सीन्स काट लिए थे जो हमारे बैलेंस में थे, और मैंने कहा वी कंप्लीट द पिक्चर टुडे एंड इट्स अ पैकअप। पद्मिनी जी बोले हाउ कैन यू से दिस, ऐसे हो ही नहीं सकता। बोली मुझे रोज़ सुबह 8 बजे उठ के मेकअप करके तेरे सेट पे आने की आदत है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल 18 डेज। मैंने कहा जी, फिर मैंने भी उनको मायूस नहीं किया, हमने उनको उनकी सारी किस्तें दी, पिछले वाले हिट प्रोड्यूसर की तरह नहीं ट्रीट किया, स्टार है वो हमारे लिए आज भी, और हमने प्रीमियर्स किए, हमें बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिली, कोल्हापुर हो, पुढारी हो, थिएटर्स भी हमें मिले इस तरह से, पुणे में थे, पुणे वालों ने हमें नहीं दिए, लड़ाई झगड़े करने पड़े हमें, मुझे तो लास्ट टाइम भी लड़ाई झगड़े करने पड़े, बहुत कंपटीशन होता है मराठी ये वो, देखिए ना मेरे जैसे सेक्युलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी फंसा देते, ये हिंदी वाली है कगार बना हिंदी वाली है ये क्या है मतलब। और मुझसे विलासराव देशमुख जी ने भी, विलासराव अंकल मैं उन्हें बोलती हूँ, जब लॉन्च में आए थे कगार के तो बोला था तू मराठी लड़की है मराठी सिनेमा बना, मैंने कहा हाँ अंकल एक हिंदी एक मराठी ज़रूर बनाऊँगी, और मैंने वो वादा निभाया और इस तरह से बनी मंथन एक अमृत प्याला। फिर प्रमोशंस में महाराष्ट्र घूमते हैं तो जनरली ऑब्वियसली गाड़ी में जाना पड़ता है, कोल्हापुर वगैरह चलिए कहीं फ्लाइट से चले गए, तो मैं और मैम हमेशा साथ ही होते थे और उन्हें हर चीज़ पता है, इधर रुक मिसल पाव खाएंगे, सो सिंपली वो किसी भी बीच में जो ढाबा शाबा आ जाता है जाके बाकड़े पे बैठ के चल खाएंगे ये। मैंने कहा मैम आप डाइट वाइट में कुछ नहीं करती, मैं ऊपर नीचे घूमती रहती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, दिस इज़ द वे यू नो दे आर डिवाइन पीपल जिसे कहते हैं ना। उन्होंने जो गाना गाया था ना, यशोमती मैया से टुन टुन लेके ऐसे छोटा सा, उससे लेके सौतन से लेके हर फिल्म में देखिए, और कौन सा था वो प्रेम सिंह पटियाला वाले जो फिल्म थी वो 7 दिन, हर फिल्म में और मेरी फिल्म तक उनका चेहरा उतना ही मासूम है, क्योंकि आप अंदर से बाहर जब प्योरिटी आपकी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर वर्क जो उनके लिए पूजा है उनका काम वो दिखता है पता है, तो चेहरा ना ऐसे ही रहता है मासूम जब आपके अंदर वो शिद्दत होती है। इसलिए आज भी देखिए डांस इंडिया कोई मैंने एक दो शोज में देखा शक्ति जी के साथ, मंथन एक अमृत प्याला फिल्म मेरी रेड कार्पेट, मैंने फिल्म की एंट्री हम लेट हो गए थे तो फिल्म को मेरे हस्बैंड बड़े लड़ झगड़ के ईफी में ले गए थे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे और हमारा ये हो गया सेंसर का जो भी प्रॉब्लम, तो वो ले गए थे और जब फिल्म कमेटी ने देखी तो फिल्म के डायरेक्टर जो थे
उस पूरे फेस्टिवल के जो डायरेक्टर थे मनोज श्रीवास्तव जी, उन्होंने अमिताभ को कॉल किया और बोला मुझे डायरेक्टर से बात करनी है इस वक्त। बोला पता नहीं क्या बात है, मैंने बोला गाली वाली तो नहीं पड़ने पाई। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, आपकी फिल्म ने हमें बासुदा की याद दिलाई। अवार्ड एक चीज़ होती है पता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ना, इन्होंने मेरा भार बढ़ा दिया ज़िंदगी में कंधों पे कि तुझे क्या करना है आगे। उसके बाद सेम कॉम्प्लीमेंट जब फिल्म ईफी में थी, ऑडियंस में से क्योंकि क्यू एन ए होता है, उसमें से एक कपल आया था, यंगस्टर्स थे जो मैनेजमेंट मास कॉम पढ़ते, उन्होंने कहा मैम आपकी फिल्म की सिर्फ लैंग्वेज मराठी थी, हमें ऐसे लगा जैसे हम रजनीगंधा देख रहे हैं। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई हैव टच्ड सो मैनी हार्ट्स ऑफ वेरियस यू नो लैंग्वेजेस। तो ईफी में तो डंका बज गया था क्योंकि पहली फिल्म थी मराठी थी, मेरे साथ विशाल भरद्वाज मेरे दोस्त भी थे उनकी भी फिल्म थी, और तीसरे थे ढोलकिया जी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा ठीक से। तो ये तीनों फिल्मों में और मैं अकेली, तो मतलब दोस्त जैसे ही, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमेशा एक होता है जो आपका एंटरटेनमेंट टाइम्स होता है या बॉम्बे टाइम्स जैसी चीज़ें मोस्टली पेड होती है कॉलम वाइज। तो मैंने कहा मुझे उन चीज़ उन पन्नों पे आना भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, पार्लर गई कुत्ता ले गई इस तरह की न्यूज़ में मुझे नहीं आना है। और आई मतलब कंसिस्टेंटली आई अवॉइडेड टू अपियर ऑन सच पेजेस एज अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर तो अभी बनी थी मंथन में मैं। आई एम सो प्राउड कि मंथन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गोवा में हुआ, जो बातें हुई, द बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स वॉज सो एक्साइटेड कि मंथन और मेरी न्यूज़ डेब्यू की फिल्म की न्यूज़ महाराष्ट्र टाइम्स के फ्रंट पेज पे थी विथ माय फोटोग्राफ। बस दैट्स इट, मुझे लगा मैंने पा लिया सब उस समय, ठीक है, मुझे ऐसा ही लगता है जब जिस समय का जो हवन है जैसा है, मुझे लगा मैं सही कदम में जा रही हूँ। फिर रिलीज़ की बारी आई, ये आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू एक्सेल सेट में हमने किया, कमर्शियल सिनेमा ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको, यहाँ ग्रुपिज्म बहुत चलता है, एक जर्नलिस्ट तो इतने भड़क गए क्योंकि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस तो कई लेवल पे होता है, मैंने अल्कोहल एक जो बहुत ही कॉमन रीज़न है पकड़ा था, तो उन्होंने कहा बस अब यहाँ से मैं दारू ही पीने जा रहा हूँ, मतलब इस तरह की लोगों को चिड़ हो जाती कभी कभी, तो ठीक है क्रिटिसाइज़ करने से भी अच्छा होता है। मेरे एक्टर लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि पूरा शेल्फ तुम्हारा भर जाना चाहिए था अवार्ड से इस साल। पर कई कई जगहों में ऐसे लोग थे तो जिनको मुझे मैं पसंद नहीं थी, ईमानदार थी तो ठीक है नहीं मिला, लेकिन मैंने 10 लैंग्वेजेस सारे जितनी क्रॉस करके नेशनल अवार्ड्स में, आई लॉस्ट द नेशनल अवार्ड टू इकबाल, हिंदी फिल्म इकबाल, एंड आई एम प्राउड टू लूज दैट अवार्ड टू इकबाल, एंड आई एम वेरी प्राउड, माय एक्टर्स वर वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज दे बिलीव्ड इन माय कन्विक्शन, दे वर हैप्पी विथ माय वर्क एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी इवन व्हेन दे सॉ द फिल्म। और एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे पद्मिनी जी ने और शिवांगी ने दी, जो उनकी सिस्टर है और श्रद्धा की मम्मी है, उन्होंने कहा कि मैं तो 7 साल की उम्र से ही काम कर रही हूँ, रोने धोने वाले, जैसे मैंने कहा कि 80s की ट्रेजेडी हुई, तुम्हारी फिल्म में ऐसा क्या है कि मैं जब भी इसे बैठ के मैंने हॉल में देखा, ट्रायल में देखा या प्रीमियर में देखा है, एक पॉइंट पे आके मैं भूल जाती हूँ मैं फिल्म देख रही हूँ एंड आई स्टार्ट क्राइंग, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट अवार्ड टू एनी डायरेक्टर लाइक मी हु कम्स फ्रॉम अ सिटी लाइक नांदेड, हु हैज़ नो कमर्शियल ट्रेनिंग इन हाउ टू प्रोड्यूस और डायरेक्ट अ फिल्म, हु हैज़ सिंपली एज अ पैशन हॉबी फॉलोड थिएटर, रेड अ लॉट्स ऑफ बुक्स, वॉच्ड अ लॉट्स ऑफ सिनेमा, देन सेंसर में भी खराब सिनेमा ज़्यादा देखे वहाँ, लेकिन एज अ चाइल्ड ऑल्सो अभी भी मैं शाम को 60s की 50s कोई भी फिल्म लगा के बैठती हूँ, शायद उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुई वैसी वाले, मे बी माई सोल इज़ वेरी ओल्ड। फिर पद्मिनी जी से आज तक मेरा संबंध जो है बहुत ही बहुत करीबन, बहुत इनफॉर्मल, बहुत प्यारा वाला है, उनकी छोटी सिस्टर तेजू से भी। फिर जब मैं धुआं बना रही थी तो डॉक्टर का उसमें किरदार था, और उसमें मुझे किरदार सारे बहुत इम्पॉर्टेंट चाहिए थे धुआं में, क्योंकि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो साउथ की हीरोइन है, वहाँ बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं उनको, पर हिंदी की उन्होंने एक ही फिल्म की है मेरे साथ,
धुआं, और अमिताभ रिलेटिवली उनकी थर्ड ही फिल्म, सेकेंड ही फिल्म थी, विरुद्ध आ गई थी बाद में। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर जब कंटेंट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उस फिल्म में रति अग्निहोत्री जी है, पद्मिनी जी है, शिवाजी साटम है, मिलिंद गुना जी है, राज बब्बर जी है, ऐसे विक्रम गोखले जी है, तो उससे वो फिल्म में वजन आता है। तो मैंने पद्मिनी जी से बोला कि पद्मिनी जी फिल्म करनी है, द रोल छोटा सा है। तो अरे बोले रोल का क्या, तू सीन भेज मुझे। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस आई हैव गेन्ड, दिस इज़ द लव आई हैव गेन्ड फ्रॉम द पीपल विद आई हैव वर्कड विद, दिस इज़ द रिस्पेक्ट आई हैव गेन्ड। कि एक दिन वो लाइव आई थी और कुछ शायद सितारा या कुछ दिखाना चाह रही थी, और वो तो लाइव वाइव इतना आती नहीं है, अब तो खैर एक्सपर्ट हो गई है। तो मैं भी गई कि अरे पद्मिनी जी लाइव है, तो उन्होंने बोला अरे वाह मेरी डायरेक्टर लाइव है मेरे साथ। एंड आई थिंक पद्मिनी जी, ये मुझे बहुत मेरी आँख में आंसू आए एक्चुअली खुशी से। दिस गिव्स मी सो मच ऑफ ऑनर, क्योंकि लोग समझते बंगले बना लो, गाड़ी बना लो, पैसे आ जाए, ये हो जाए तो आप सक्सेसफुल, या बॉक्स ऑफिस हिट हो जाए। अरे आज हिट हो जाती मंडे लोग भूल जाते। मैंने जो कमाया है ना उसकी कीमत मैं जानती हूँ, और आज वाला एपिसोड मैं पद्मिनी जी को ज़रूर भेजूंगी। और ये खुशी के आंसू है, ये आंसू होते हैं ना फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिलने के बाद जो लोगों का आते, मुझे आते हैं। मैंने लोग कमाए, मैंने स्टार्स में वो विश्वास कमाया है, वो इज्जत कमाई है, और वो भी इतने बड़े स्टार्स, लार्जर देन लाइफ, और इतने हम्बल लोग। विक्रम जी भी बहुत हम्बल, विक्रम जी के बारे में भी बात करेंगे अगले एपिसोड में, या किसी थोड़े आंसू पोंछ लेती हूँ, ठीक है, है तो एपिसोड ही ना। तो ये रहा सफ़र मेरा पद्मिनी जी के साथ, और आगे भी जारी रहेगा ऐसी आशा है। पद्मिनी जी ने इन बीचों उसके बाद कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की, फिर उन्होंने शाहिद कपूर की एक फिल्म में उनके मम्मी का भी रोल किया था। एक्चुअली मम्मी लगती नहीं, अभी भी नहीं लगती किसी हीरोइन की मम्मी, और अब तो गाने लगी है, कॉन्सर्ट्स करने लगी हैं, तो शी सो इंस्पायरिंग कि उनको देख के मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स नॉट गोइंग टू लिमिट योर टैलेंट, इट्स नॉट गोइंग टू लिमिट हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर टैलेंट। तो ये स्टोरी टाइम भी मैं इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द माई बॉलीवुड जर्नी। एंड ऑफ द ईयर हम इसी में से निकालेंगे और छापेंगे एक किताब, है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम किया है ना कि मेरा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, 36 इंच वाला, है ना। तो ये था मतलब वर्किंग पर डे 18 दिनों में क्या क्या हुआ, या प्रमोशंस में इतना नहीं, छोटा छोटा जितना हो सका बताया, मुझे लगता है काफ़ी है, आप समझ गए होंगे वो कितनी स्वीट है, वो कितनी सिंपल है। मतलब अभी भी मैंने देखा कुछ दिन पहले वो सुबह सुबह ट्रेन में जा रही थी टाउन, देखना अभी भी फॉलो करके उनको। तो ये है पद्मिनी कोल्हापुरी, क्या व्हाट एन एक्ट्रेस, अभी भी देखिए उनके गाने, उनकी हर चीज़, उनकी हर अदा, इतनी मासूमियत, जेन्युइनली I love you पद्मिनी जी, and I will always love you, and कभी फिर मौका मिला, दुआ मांगती हूँ कि जल्दी से मौका आए और हम जल्दी से साथ में काम करें, ऐसे आर्टिस्टों के लिए तो मेरी जान हाजिर है। इसी के साथ आज का स्टोरी टाइम समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले स्टोरी टाइम में फिर एक नए कलाकार के साथ, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध जुड़ा और रहा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। कुछ क्लिपिंग्स डाल रही हूँ, एंजॉय कीजिए, यूट्यूब पे जाके फिल्म ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। नमस्कार।